तक विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मीका ने जिसकी शादी में गाना गाया वो अरबपति शख्स पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का करीबी है। हम आपको बता दें कि भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म कर दिए हैं और उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। व्यापारिक रिश्ते खत्म हो गए हैं, राजनयिक रिश्ते खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बौखलाहट में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया, लाहौर बस सेवा को पाकिस्तान ने बंद कर दिया, कल स्कर्दू में पाकिस्तान ने अपने जो लड़ाकू विमान हैं उनको आसमान में उड़ाया था। तो बहुत सारी हरकतें ऐसी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन मीका सिंह की ये पाकिस्तान में परफॉर्मेंस अब सवाल खड़े कर रही है। तो कराची में मीका की डांस नाइट पर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। स्वामी ने कहा कि मीका सिंह से सिलसिले में पूछताछ होनी चाहिए, उनके कराची दौरे की बारीकी से जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड के सिंगर है मीका सिंह, ये कराची जाके परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तानी वहां पर, जब माहौल इतना गरमाया हुआ है सर, पाकिस्तान ने हमारे साथ सब टाइज तोड़ दिए हैं, क्या ये उचित है सर इस समय पाकिस्तान में जाके परफॉर्म करना? उचित कहना है वह फीका शब्द है, इतने देशद्रोही काम है और उसे वो बिका हुआ है, उसको पैसा लेकर आया है, उसको पकड़ना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए और किस लोग को इन लोगों से मिला, क्योंकि वहां आईएसआई के भी लोग थे, तो ये सब पता करके इस पर कार्रवाई करनी है तो करना है, परंतु पाकिस्तान जाना उसके लिए बहुत बहुत भयंकर देश के विरुद्ध में है और ऐसे वक्त में जाना मैं समझता हूं कि इसको कोई माफ नहीं कर सकता। तो मैं तो कहता हूं समस्या हमारी बॉम्बे फिल्म्स का यही है कि सब दाऊद के पैसे पर लिप्त हैं और इसीलिए वो दाऊद हुक्म देगा, अपना उंगली भी दिखाएगा तो सब भाग के आएंगे, तो इसको सुधारना चाहिए। अब बॉम्बे फिल्म्स में जो भी ऐसे हैं जिनका दाऊद से रिश्ता है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे राज्यसभा के एमपी मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज नई दिल्ली। अभी फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लौटना फौरन वापस।